Hello viewers, today's video is on the topic evaluation of disinfectants, and in this video we will learn about three main methods of evaluation of disinfectants. These are Riedel Walker test or the phenol coefficient test, Chick Martin test and Kelsey-Sykes test. You are watching this video on the YouTube channel Pharma Academy. And don't forget to subscribe the channel to get more pharma related videos. Topic mein jaane se pehle, let's have a quick review that what is a disinfectant. To World Health Organization WHO ki definition ke according, disinfectants wo chemical agents hote hain jo destroy karte hain ya growth inhibit karte hain pathogenic microorganisms ki. बट केवल ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी वेजिटेटिव या नॉन स्पोर फॉर्मिंग कंडीशन में हैं, स्पोर्स पर डिसइंफेक्टेंट्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में मैं अपने पुराने वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिसइंफेक्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली किल नहीं करता है, बट उनकी कंसेंट्रेशन को इतना कम कर देता है कि वो कोई इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। Now we specifically come to the topic evaluation of disinfectants. तो इसका मतलब ये होता है कि किसी disinfectant की antimicrobial ability या antimicrobial efficacy को किसी specific microorganism के against check करना और इस basis पर किसी disinfectant की effectiveness का assessment करना। Disinfectant के evaluation की तीन major जो methods हैं वो हैं फिनोल कोफिशियंट टेस्ट या जिसे रीडल वॉकर टेस्ट भी कहा जाता है, चिक मार्टिन टेस्ट और केल्से-साइक्स टेस्ट। इन तीन मेथड्स को अब हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिनोल कोफिशियंट टेस्ट या जिसे रीडल वॉकर टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट में किसी भी डिसइंफेक्टेंट की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को फिनोल के कंपेरिजन में इवेल्युएट किया जाता है। फिनोल सबसे पहले जो डिसइंफेक्टेंट है उसको डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसे इस फिनोल को स्टैंडर्ड माना जाता है। इस टेस्ट में इन तीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से किसी एक के साथ यह टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, लाइक साल्मोनेला टाइफी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और सुडोमोनास ओरिजिनोसा। और टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आता है उसे फिनोल कोफिशियंट के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। अगर किसी डिसइंफेक्टेंट का फिनोल कोफिशियंट मोर देन वन होता है तो वह डिसइंफेक्टेंट फिनोल से ज़्यादा इफेक्टिव है, और अगर किसी डिसइंफेक्टेंट का फिनोल कोफिशियंट लेस देन वन है तो वह डिसइंफेक्टेंट फिनोल से लेस इफेक्टिव होता है। नाउ वी कम टू द प्रोसीजर ऑफ द फिनोल कोफिशियंट टेस्ट। सबसे पहले जो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट है, जो टेस्ट केमिकल है, उसका एक फिक्स कंसंट्रेशन का स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, और फिर इस स्टॉक सॉल्यूशन का यूज करके अलग अलग डाइल्यूशंस के सॉल्यूशन बना लिए जाते हैं टेस्ट केमिकल के, और अलग अलग टेस्ट ट्यूब में फिल कर लेते हैं, और ये जो अमाउंट लेते हैं दैट इज 5 ml। जैसे टेस्ट डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के मान लीजिए हमने 4 डाइल्यूशन प्रिपेयर किए, एक डाइल्यूशन 1/1000, दूसरा डाइल्यूशन 1/1200, तीसरा 1/1400 और चौथा डाइल्यूशन 1/1600। यानी एक पार्ट डिसइंफेक्टेंट और 1000, 1200, 1400 और 1600 पार्ट हार्ड वाटर। इस तरीके से हमने अलग अलग डाइल्यूशन बना लिए। इसी प्रकार सेम प्रोसीजर रिपीट करते हैं फिनोल के साथ। फिनोल जो कि इस एक्सपेरिमेंट में एज ए स्टैंडर्ड लिया जा रहा है, तो फिनोल और टेस्ट केमिकल दोनों के हमने अलग अलग डाइल्यूशंस बना लिए। फिनोल के डाइल्यूशंस प्रिपेयर किए 1/100, 1/120, 1/140 एंड 1/160 के डाइल्यूशंस में। इसके बाद जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर किया, और 24 आवर्स कल्चर के बाद इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 0.5 ml लेकर ऐड करते हैं टेस्ट डिसइंफेक्टेंट के सॉल्यूशन में और फिनोल के जो अलग अलग डाइल्यूशन हमने बनाए थे उसमें। इसके बाद इन दोनों सेट को, एक सेट जिसमें फिनोल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
दूसरा सेट जिसमें टेस्ट डिसइंफेक्टेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन दोनों सेट्स को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 48 टू 72 आवर्स के लिए इनक्यूबेट करते हैं। इसके बाद हर 2.5 मिनट, 5 मिनट, 7.5 मिनट और 10 मिनट्स के बाद हर डाइल्यूशन में से इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से सैंपल निकालकर उसे रिकवरी कल्चर मीडिया में ऐड किया जाता है और फिर ये चेक किया जाता है कि किस डाइल्यूशन वाले डिसइंफेक्टेंट ने कितने टाइम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया और किस डाइल्यूशन में किस टाइम पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं हुए। यहाँ पर जो चार सेट फिनॉल और चार सेट टेस्ट डिसइंफेक्टेंट के हैं उनमें हम एक टेबल के थ्रू ये दिखा रहे हैं कि किस डाइल्यूशन ने कितने टाइम में बैक्टीरिया को किल किया या नहीं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि टेस्ट डिसइंफेक्टेंट के जो 1/1000 वाला डाइल्यूशन है इसने बैक्टीरिया को 2.5 मिनट में किल नहीं किया, बट इसी डाइल्यूशन ने बैक्टीरिया को 5 मिनट में किल कर दिया। इसी तरह से जो 1/1200 वाला डाइल्यूशन है इसने बैक्टीरिया को 2.5 मिनट में किल नहीं किया, 5 मिनट में भी बैक्टीरिया को किल नहीं किया, बट 7.5 मिनट में बैक्टीरिया को किल कर दिया। सेम ऑब्जर्वेशंस विद अदर डाइल्यूशंस ऑफ द टेस्ट डिसइंफेक्टेंट। इसी तरीके से जो फिनोल के डाइल्यूशन है उन फिनोल के डाइल्यूशंस के साथ भी हमने यही चेक किया कि कौन सा डाइल्यूशन है जिसने बैक्टीरिया को 2.5 मिनट में किल किया, किसने 5 मिनट में किल किया, किसने 7.5 मिनट में किल किया। ये सारे ऑब्जर्वेशंस हमने टेस्ट डिसइंफेक्टेंट और फिनोल दोनों के साथ ऑब्जर्व किया। लास्ट में हम फिनोल कोफिशियंट कैलकुलेट करने के लिए टेस्ट डिसइंफेक्टेंट और फिनोल का एक जैसा डाइल्यूशन देखेंगे जिस डाइल्यूशन पर टेस्ट डिसइंफेक्टेंट और फिनोल दोनों ही बैक्टीरिया को 5 मिनट में किल नहीं कर रहे हैं बट 7.5 मिनट में किल कर रहे हैं। तो यहां हम देखेंगे कि टेस्ट डिसइंफेक्टेंट के 1/1200 वाले डाइल्यूशन ने बैक्टीरिया को 5 मिनट में किल नहीं किया बट 7 मिनट में किल कर दिया। इसी तरह फिनोल के 1/120 वाले डाइल्यूशन ने भी सेम रिजल्ट दिया है, इसने भी बैक्टीरिया को 5 मिनट में किल नहीं किया बट 7.5 मिनट में किल कर दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे फिनोल कोफिशियंट को। इस फॉर्मूले में दोनों डाइल्यूशंस की वैल्यू पुट करेंगे, टेस्ट डिसइंफेक्टेंट का डाइल्यूशन था 1200 और फिनोल का डाइल्यूशन था 120। तो नाउ वी डिवाइड 1200 बाय 120 मींस 10। नाउ वी कैन से दैट द टेस्ट डिसइंफेक्टेंट इज 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन फिनोल, दैट इज द फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट। इस मेथड की लिमिटेशन ये है कि ये मेथड क्लीन कंडीशन यानी कि बिना किसी ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस के परफॉर्म किया जाता है जो डिसइंफेक्टेंट की एक्चुअल इफेक्टिवनेस को एवेल्युएट नहीं करता और केवल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इवेल्यूशन करके हम सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इस मेथड को एस्टिमेट नहीं कर सकते या एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और केमिकल के बीच कॉन्टेक्ट का जो टाइम है वो भी काफ़ी कम है, इस वजह से जो केमिकल या जो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट है वो अपना पूरा इफेक्ट नहीं दिखा पाता। इसलिए ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट के साथ एसोसिएटेड हैं। नाउ वी कम टू द चिक मार्टिन टेस्ट। चिक मार्टिन टेस्ट काफी कुछ रीडल वॉकर टेस्ट की तरह ही है। इसमें मेन डिफरेंस ये है कि इसमें टेस्ट मीडियम में 3% ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड किया जाता है। ये ऑर्गेनिक मैटर ड्राइड ईस्ट या ड्राइड ह्यूमन फीसेस होता है। चिक मार्टिन कोफिशियंट कैलकुलेट किया जाता है डिवाइड करके टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की हायर डाइल्यूशन जो फिनोल की कंसेंट्रेशन की तरह सेम इफेक्ट देती है। यानी कि अगर कोई टेस्ट डिसइंफेक्टेंट है जिस डाइल्यूशन पर बैक्टीरिया को किल कर रहा है वो डिवाइड करते हैं फिनोल की उस डाइल्यूशन से, हायर डाइल्यूशन से जो उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही है उसके साथ डिवाइड करके। इस तरीके से जो वैल्यू आती है दैट इज चिक मार्टिन कोफिशिएंट। यू कैन सी द प्रोसीजर फॉर चिक मार्टिन टेस्ट।
सबसे पहले 3% ऑर्गेनिक मैटर का सस्पेंशन रेडी किया जाता है। इसके लिए 3 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर, जो ड्राइड यीस्ट या ड्राइड ह्यूमन फीसेस होता है, उसको लेते हैं, उसको ऐड करते हैं 100 ml वाटर में। इस तरह से 3% ऑर्गेनिक मैटर जो सॉल्यूशन है वो रेडी हो जाता है। इस जो सॉल्यूशन को ऐड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 24 आवर्स ओल्ड कल्चर में। इसके लिए 2 ml माइक्रोबियल सैंपल लेते हैं और इसमें 48 ml 3% ऑर्गेनिक मैटर का जो सस्पेंशन है उसको मिक्स करते हैं। अब इस मिक्सचर का 2.5 ml ईच अलग अलग टेस्ट ट्यूब में निकाल लिया जाता है। इसके बाद फिनॉल के अलग अलग डाइल्यूशंस प्रिपेयर करेंगे और इन डाइल्यूशन का 2.5 ml ईच टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे। सेम विद अ टेस्ट डिसइंफेक्टेंट, इसके भी अलग अलग डाइल्यूशंस प्रिपेयर करेंगे और 2.5 ml ईच ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब में। इसे अच्छे से शेक करेंगे ताकि जो डिसइंफेक्टेंट है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच प्रॉपरली कॉन्टैक्ट हो जाए। इस मिक्सचर को 30 मिनट तक इंक्यूबेट करेंगे। अब हमें 2 सेट मिल गए, एक सेट जिसमें फिनॉल, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दूसरा सेट जिसमें टेस्ट डिसइंफेक्टेंट, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब इसके बाद ये चेक किया जाएगा कि किस डाइल्यूशन वाले कॉम्बिनेशन में बैक्टीरिया किल हो गए हैं और किस में नहीं। ये चेक करने के लिए मिक्सचर में से एक लूपफुल मिक्सचर निकालकर उसे ट्रांसफर करते हैं 10 ml रिकवरी कल्चर मीडिया में। अगर बैक्टीरिया किल हो गया होगा तो जो रिकवरी कल्चर मीडिया है उसमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं दिखेगी, और अगर बैक्टीरिया किल नहीं हुआ होगा तो रिकवरी कल्चर मीडिया में बैक्टीरियल अपनी जो बैक्टीरियल सेल है वो अपनी ग्रोथ को शो करेगा। इस तरह फिनॉल और टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की वह हायर डाइल्यूशन जो बैक्टीरिया को किल करती है उस हायर डाइल्यूशन को डिवाइड करके चिक मार्टिन कोफिशियंट कैलकुलेट कर लिया जाता है। नाउ वी डिस्कस कैल्सेसाइक्स टेस्ट। कैल्सेसाइक टेस्ट एक ट्रिपल चैलेंज टेस्ट है, यानी कि जो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट है उसे 3 बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है और हर बार टेस्ट डिसइंफेक्टेंट की कंसंट्रेशन तो वही फिक्स रहती है बट माइक्रोबियल सेल की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ाते जाते हैं। इस टेस्ट को कैपेसिटी टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो डिसइंफेक्टेंट की फिक्स कंसंट्रेशन ली जाती है, डिसइंफेक्टेंट की फिक्स कंसंट्रेशन है बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कंसंट्रेशन है, जो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से हर कोई भी डिसइंफेक्टेंट है उसकी एफिकेसी चेक की जाती है कि वो कितने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल कर सकता है इन ए फिक्स कंसंट्रेशन। इसमें कोई भी कोफिशियंट कैलकुलेट नहीं किया जाता है, रिजल्ट में कोई कोफिशियंट नहीं आता है। इसमें जो टेस्ट सैंपल है या जो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट है उसको केवल पास या फेल डिक्लेयर किया जाता है। नाउ वी कैन सी द प्रोसीजर। टेक 3 ml ऑफ टेस्ट डिसइंफेक्टेंट एंड मिक्स इट विद 1 ml ऑफ माइक्रोबियल सेल सस्पेंशन। इसे अच्छे से शेक करते हैं ताकि जो डिसइंफेक्टेंट है और माइक्रोबियल सेल है अच्छे से कॉन्टैक्ट में आ जाएं। फिर 8 मिनट के बाद इस रिएक्शन मिक्सचर में से एक लूपफुल यानी कि अराउंड 0.1 ml मिक्सचर को ऐड किया जाता है 5 अलग अलग पेट्री डिश में, यानी कि 5 पेट्री डिश लेते हैं और हर पेट्री डिश में 0.1 ml जो रिएक्शन मिक्सचर है टेस्ट डिसइंफेक्टेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इसको उन पेट्री डिश में डाला जाता है ये चेक करने के लिए कि इस सैंपल में, इस मिक्सचर में बैक्टीरिया किल हुए हैं या नहीं। अगर इन पेट्री डिश में कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ दिखती है इट मींस बैक्टीरिया किल नहीं हुए हैं। इसके बाद इसी रिएक्शन मिक्सचर को फिर से लिया जाता है और इसमें एक्स्ट्रा 1 ml बैक्टीरियल सेल ऐड की जाती हैं, यानी कि डिसइंफेक्टेंट का सॉल्यूशन वही है बट इसमें 1 ml जो बैक्टीरियल सस्पेंशन है उसको और ऐड किया गया है, यानी नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल इंक्रीज हो गई। और फिर से इसे 10 मिनट के लिए रखते हैं। आफ्टर 18 मिनट्स फिर से इस रिएक्शन मिक्सचर में से 0.1 ml
सैंपल लिया जाता है और पांच अलग अलग पेट्री डिश में ऐड किया जाता है जिसे जिसमें रिकवरी कल्चर मीडिया फिल होता है। इस तरह ये चेक करते हैं कि उसी सेम कंसंट्रेशन में जिसमें डिसइंफेक्टेंट प्रेजेंट है बट माइक्रोबियल सेल बढ़ गई हैं, तो क्या जो डिसइंफेक्टेंट है वो इस बढ़े हुए माइक्रोबियल पॉपुलेशन को किल कर रहा है या नहीं। सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट किया जाता है। इस तरीके से जो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट है ये तीन बार माइक्रोबियल सेल के कॉन्टैक्ट में आता है, तीसरी बार भी इसको हम आफ्टर 10 मिनट्स यानी कि एट द 28 मिनट हम फिर से सैम्पलिंग करेंगे पेट्री डिश में और ये चेक करेंगे कि जो माइक्रोबियल सेल हैं वो किल हुई हैं या नहीं हुई। इस तरह तीन बार डिसइंफेक्टेंट को माइक्रोबियल सेल के अगेंस्ट चेक किया जाता है। और अगर कोई डिसइंफेक्टेंट फर्स्ट टू स्टेप में बैक्टीरिया किल करता है तो उसे पास कर दिया जाता है, यानी कि जो अगर पहली दो स्टेप हैं जिसमें चेक किया गया था उसमें अगर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ऑब्जर्व नहीं हो रही है तो ऐसे टेस्ट डिसइंफेक्टेंट्स को पास डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जो फर्स्ट टू स्टेप्स हैं जो जिसमें हमने पांच पेट्री डिश ली थी उसमें से एटलीस्ट तीन पेट्री डिश में कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ऑब्जर्व नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से तीन मेथड्स आपके सामने आज डिस्कस किए गए, फिनोल कोफिशियंट टेस्ट, चेक मार्टिन टेस्ट एंड कैल्सेसाइक टेस्ट। एंड आई होप दिस वीडियो विल गेट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इवेल्युएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स